मनपसंद, मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू मेक वेरी डिलीशियस हलवा, दैट इज बॉम्बे कराची हलवा, और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्वीट। इसमें हम कॉर्न स्टार्च से बनाते हैं इसे, और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, दोज इंग्रेडिएंट्स आर कॉर्नफ्लावर। दिस इज अबाउट 120 ग्राम्स ऑफ कॉर्नफ्लावर, और मैंने जस्ट डबल क्वांटिटी से शुगर का लिया है, यानी कि 250 ग्राम ऑफ शुगर। ये अगर 1 कप है तो, बट दिस इज 1.5 कप, एंड 120 ग्राम सेम अमाउंट ऑफ देसी घी। जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया है उतना ही देसी घी लिया है। साथ ही पर यहाँ पर मैंने लिया है लेमन सॉल्ट। यू कैन सी, ये नींबू का सत बोलते हैं इसे हिंदी में, और हम इसे, कई लोग इसे साटरी के नाम से जानते हैं, टार्ट्रिक एसिड, और टार्ट्री इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर लेमन सॉल्ट है, इसे हम थोड़े से पानी में घोल कर इसमें ऐड करेंगे, इट विल गिव द ग्रेट फ्लेवर। ये 1/4 टीस्पून है। ये हमें हमारी शुगर को जो है वो क्रिस्टलाइजेशन से बचाएगा। साथ ही यहाँ पर मैंने लिए है मगज, यानी कि बीज। यहाँ पर मैंने तरबूज और खरबूजे दोनों के बीज लिए हैं। ये इसमें एक अच्छा क्रंच ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, एनीथिंग यू कैन ऐड। एंड और फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे मैंने क्रश्ड फ्रेश कार्डमम ली है, यानी कि इलायची ली है। सो नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग आवर हलवा, एंड हियर आई हैव 400 ml ऑफ वाटर। यहाँ पर इसे जस्ट डबल शुगर से डबल क्वांटिटी लगेगी पानी की, 400 to 450 ml वाटर यूज करेंगे हम। सो नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग आवर बॉम्बे कराची हलवा। फ्रेंड्स, हेयर आई विल यूज सम फूड कलर इसको कलर करने के लिए। नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग आवर हलवा। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्राई रोस्ट आवर सीड्स, यानी कि मगज जो है हम उन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इससे ये अच्छे से फूल जाएंगे और इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं बीज जो है, बहुत ज्यादा नहीं लिए। बस हमें इन्हें हल्का सा भूनना है, जैसे ही इनमें ये आवाज आने लगे चट चट की, हम इन्हें निकाल लेंगे किसी बर्तन में। ये भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं ये फ्लफी हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना पैन में शुगर ऐड करेंगे। साथ ही साथ शुगर के साथ मैं इसमें 200 ml वाटर ऐड कर रही हूँ। आई एम यूजिंग दिस मेजरिंग कप, आप चाहें तो किसी और चीज से भी 200 ml मेजर कर सकते हैं वाटर का। तो यहाँ पर मैंने 200 ml वाटर ऐड किया है, इतने हमारी शुगर मेल्ट होगी, उतनी देर हम अपना कॉर्नफ्लावर डिजोल्व कर लेंगे वाटर में। नाउ आई एम यूजिंग कॉर्नफ्लावर एंड रिमेनिंग 200 ml ऑफ वाटर। यहाँ पर मैं बाकी अमाउंट में कॉर्नफ्लावर डिजोल्व कर लूंगी। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये नीचे बैठ जाता है तो हम इसमें इसके लम्स नहीं रहने देंगे, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। नाउ वी विल चेक आवर शुगर, वी आर गोइंग टू जस्ट मेल्ट द शुगर। ये देखिए शुगर जो है वो अच्छे से डिजॉल्व हो गई है। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माई कॉर्नफ्लावर इन दिस। हम पहले गैस वो फ्लेम जो है वो लो कर लेंगे, इसे अच्छे से एक स्टर देंगे, एंड देन वी विल ऐड आवर कॉर्नफ्लावर इन दिस। नाउ वी विल स्टर इट कंटिन्यूअसली। आप देख रहे हैं साइड्स पे ये जो है वो जमने लगा है, तो इसको हम बिल्कुल साथ साथ निकालते रहेंगे, और इसको एक बॉयल आने तक हमने हाई पर रखा है। वैसे इसे हम मीडियम फ्लेम पर कुक करते हैं, और इसे बिल्कुल हिलाते रहना है, अदरवाइज ये नीचे बैठने लगता है। आप देख रहे होंगे कि इसमें ये थिक कॉर्नफ्लावर जो है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो नो नीड टू वरी, क्योंकि ये ऐसे ही कुक होता है। बस हमें इसे नीचे जलने नहीं देना, और इसे साथ साथ हिलाते रहना है। हम इसे फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है, एंड वी आर कुकिंग इट कंटिन्यूअसली। ये देखिए मैं इसे साथ साथ चला रही हूँ, जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा। देखिए
देखिए फ्रेंड्स ये कितनी जल्दी ठीक हो गया है। अब हम इसमें साथ साथ घी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी हमें जो है वो बीच में डिसॉल्व करना है। आई एम एडिंग 1 टेबलस्पून घी एट अ टाइम। ये बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा घी को। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देसी घी यूज किया है, आप चाहें तो वनस्पति भी यूज कर सकते हैं, यानी कि वेजिटेबल घी भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर जो है वो प्योर क्लैरिफाइड बटर यूज किया है बिकॉज इट विल टेस्ट मच बेटर देन द वनस्पति घी। इट विल टेक टाइम टू एब्जॉर्ब द घी सो डोंट वरी, जस्ट मिक्स इट कंटिन्यूसली। देखिए काफी हद तक एब्जॉर्ब हो गया है घी। नाउ आई विल एड मोर घी बट बिफोर दैट आई विल एब्जॉर्ब ऑल द क्वांटिटी ऑफ घी विच आई कैन सी इन द पैन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग दिस हलवा इज स्टरिंग। ये देखिए इट इज बिकमिंग लिटिल शाइनी एंड एब्जॉर्ब ऑल द घी। नाउ आई एम गोइंग टू एड 1 more tablespoon ऑफ घी। Starting you will feel that it is not absorbing the whole quantity of ghee, but when you will stir it continuously it will definitely absorb the whole quantity. Like you can see the it is floating in the ghee, but dheere dheere aap feel karenge ki waqai isne ghee ko absorb kar liya hai. Just try to break it and let it absorb all the ghee in it. We want to prevent it from the crystallization, so here I am going to add the sartri or citric acid. First of all I am going to add some water, about 1 tablespoon of water just to it, and I am going to dissolve it in this water. I am going to add my sartri in this. We'll give it a tangy flavor as well as it will prevent the crystallization of the sugar. Make sure कि जब आपका हलवा लगभग तैयार होने वाला हो, जैसे कि अभी हमारा जो है transparent हो चुका है, so only then add this to your halwa. ये देखिए friends जैसे जैसे घी absorb कर रहा है it is looking a bit transparent. So now I am going to add my half of the beech here and I am going to add some color. I will add orange color. You can add any color of your choice. First I have added a pinch of color because I don't want to make my halwa really very dark. Just mix it properly. Little more color I'm going to add. Just mix it properly ताकि जो हमारा color है वो evenly spread हो जाए इसमें। क्योंकि मैंने अपना जो ये हलवा है ये नॉनस्टिक पैन में बनाया है तो इसमें थोड़ा घी का क्वांटिटी जो है वो कम लगी है, एंड आई हैव टेकन अबाउट 120 ग्राम्स ऑफ घी बट हियर आई हैव यूज्ड ओनली 90 ग्राम्स ऑफ घी बिकॉज माय पैन वाज नॉनस्टिक सो आई डिडंट नीड मच घी। इट हैज गॉट सच अ नाइस ऑरेंज कलर। And now I'm going to add my cardamoms for the flavoring. आप इसमें कोई essence भी add कर सकते हैं अगर आप चाहें तो।
नाउ मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर कर दिया है एंड नाउ आई विल मिक्स इट प्रॉपरली एंड मैं इसे अच्छे से भून लूंगी। आप इसे जितना च्यूई बनाना चाहते हैं आप उतना इसे कुक करें, अगर आप इसे च्यूई नहीं बनाना चाहते तो इस स्टेज पर आप इसे निकाल सकते हैं, बट आई मेक वॉन्ट टू मेक इट लिटिल च्यूई बिकॉज माई किड्स विल ईट दिस, सो आई एम गोइंग टू रोस्ट इट लिटिल मोर। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टेक अ ट्रे, और जब आप देखें कि हमारे हलवे ने ऐसे साइड्स में दोबारा से घी छोड़ दिया है देन नाउ अब आई एम गोइंग टू टेक इट आउट। वी हैव नो नीड टू ग्रीस दिस ट्रे बिकॉज इट इज ऑलरेडी वेरी ग्रीसी काइंड ऑफ हलवा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में घी है। हम इसे निकाल लेंगे, मैंने यहाँ चेक कर लिया था थोड़ा सा हलवा निकाल कर कि ये जमने की कंसिस्टेंसी पे है या नहीं। सो आर बॉम्बे कराची हलवा इज रेडी, नाउ आई एम गोइंग टू स्प्रेड इट विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। मैं इसे इवन कर लूँगी, अदरवाइज इसके जो पीसीज हैं वो उतने स्मूथ नहीं बनेंगे, बट आई वॉन्ट देम टू बी स्मूथ। सो इसे गरम गरम में ही स्प्रेड करें, अगर ये ज़रा सा भी ठंडा हो गया देन इट विल नॉट स्प्रेड प्रॉपरली। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा जो है वो रेडी है, नाउ आई एम गोइंग टू डेकोरेट इट विद द मगज, और इसे ठंडा होने पर हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। नाउ वी विल मीट आफ्टर 1 आवर जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बॉम्बे कराची हलवा है ये अच्छे से जम चुका है, ये बिल्कुल सॉलिडिफाई हो चुका है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे, और उसके लिए आप चाहें तो ऐसे ही कट करके निकाल सकते हैं, बट आई वॉन्ट टू कट द क्लियर एंड नाइस पीसेस, सो आई एम गोइंग टू फ्लिप दिस हलवा ऑन दिस चॉपिंग बोर्ड बिकॉज ये इतने अच्छे से ऑलरेडी ये काफी इसमें कंटेंट होता है ऑयल का, तो ये बड़ी जल्दी निकल आएगा। वाओ, व्हाट अ नाइस बिग स्लाइस ऑफ बिग पीस ऑफ हलवा। सो नाउ आई एम गोइंग टू कट द स्लाइसेस, फर्स्ट आई विल फ्लिप इट अगेन, नाउ आई विल कट दिस पीसेस। दिस जस्ट लाइक द जेली, नाउ वी विल प्लेट इट। फ्रेंड्स, यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ द हलवा, इट इज़ रियली वेरी नाइस एंड च्यूई। अगर आप चाहें तो इसे और च्यूई बना सकते हैं, बट आई लाइक दिस कंसिस्टेंसी। देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बॉम्बे कराची हलवा, इट इज़ लुकिंग रियली डिलीशियस एंड यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ द हलवा। आपको इसमें बीच बीच में कहीं कहीं बीच नजर आ रहे होंगे, दिस इज इट विल टेस्ट रियली गुड एंड इट विल एड अ क्रंच टू आर हलवा। सो इफ यू लाइक द रेसिपी ऑफ बॉम्बे कराची हलवा देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल खाना मनपसंद, और इसकी फुल रेसिपी के लिए आप मेरे ब्लॉग khanamanpasand.blogspot.com पर लॉग इन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क एंड आई विल really appreciate if you will give thumbs up and like my videos. Please do share my videos with your family and friends. Thanks for watching and keep watching. Bye bye. Enjoy all the recipes in this festive season. Please do try, your kids will definitely like this recipe. Thank you. Bye bye.